हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आप सभी को आज हैप्पी टीचर्स डे, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग जानेंगे कि शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और शिक्षक दिवस किन की जयंती को मनाते हैं और शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि शिक्षक दिवस भारत में कब से मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और इन्हीं के जन्मदिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था आज ही के दिन, अर्थात 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के थिरुलाली नामक स्थान में हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं टीचर्स डे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें हम एस राधाकृष्णन कहते हैं। वो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने का गौरव डॉक्टर एस राधाकृष्णन को प्राप्त है। प्रश्न संख्या दो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है ए 1880, बी 1884, सी 1888 और डी 1890। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के थिरुवल्ली नामक स्थान पे हुआ था। प्रश्न संख्या तीन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? मतलब भारत के राष्ट्रपति किस वर्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ए 1960, बी 1962, सी 1964 और डी 1967। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति 1962 में बने और ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके बाद, अर्थात उनका जब कार्यकाल 1962 में समाप्त हुआ, 62 में कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1962 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या चार है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए 1950, बी 1954, सी 1955 और डी 1960। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न की शुरुआत 1954 से ही हुई थी। प्रश्न संख्या पाँच है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखित रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है ए ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शन, बी द फिलोसफी ऑफ उपनिषद, सी एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, सी ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। ऑप्शन है एक और दो, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है दो और तीन और ऑप्शन डी है एक दो तीन और चार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक दो तीन और चार, यानी ये निम्नलिखित चारों जो रचनाएं हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा रचित हैं। प्रश्न संख्या छः है, किस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को के
कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन है ए 1948, बी 1950, सी ऑप्शन है ए 1948, बी 1949, ऑप्शन सी है 1950 और डी है 1951। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1948। प्रश्न संख्या 7 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य अकादमी फेलोशिप साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान किस वर्ष दिया गया। ऑप्शन है ए 1963, बी 1965, सी 1968 और डी 1970। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1968। और यह सम्मान पाने वाले भारत के या पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो इनको 1968 में यह पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में शिक्षक दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया। ऑप्शन है ए 1956, बी 1962, सी 1970 और डी 1980। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1962, क्योंकि 1962 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने और इनके जो स्टूडेंट थे, अनुयायी थे, इनके जन्म दिवस को मनाने के लिए उत्सुक थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि आप हमारे जन्मदिन अगर मनाना चाहते हैं तो इसे आप टीचर्स डे के रूप में मनाइए, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे लाखों शिक्षक हैं और उनके जन्म दिवस को मतलब उनके ही जीवन के रूप में ये मतलब समर्पित है मेरा मतलब जन्म दिवस, और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अर्थात डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, राजनेता बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पेशा क्या था। राजनेता बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पेशा क्या था। ऑप्शन है ए एक वकील, बी इंजीनियर, सी शिक्षक और डी डॉक्टर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनेता बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पेशा शिक्षक था। प्रश्न संख्या 10 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन और ऑप्शन डी है चार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दो कार्यकाल तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। प्रश्न संख्या 11 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विशेषज्ञता का क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन है ए गणित, बी इतिहास, सी दर्शन शास्त्र और डी साहित्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। प्रश्न संख्या 12 है, मैसूर विश्वविद्यालय में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की भूमिका क्या थी। मतलब मैसूर विश्वविद्यालय में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की क्या भूमिका थी। ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र प्रोफेसर, ऑप्शन बी है भौतिकी विभाग के प्रमुख, सी कुलपति और डी वाणिज्य विभाग के डीन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुलपति थे। प्रश्न संख्या 13 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कितने वर्षों में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ऑप्शन है ए कभी नामांकित नहीं किया गया, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष अर्थात 5 बार इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार सम्मानने के लिए नामांकित किया गया था। प्रश्न संख्या 14 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिविल सेवा में अन्य कौन सी भूमिका थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिविल सेवा में अन्य कौन सी भूमिका थी। ऑप्शन है ए विदेश मंत्री, बी गृह मंत्री, सी वित्त मंत्री और डी रक्षा मंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विदेश मंत्री।
प्रश्न संख्या 15 है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष कुलपति बने। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष कुलपति बने। ऑप्शन है ए 1960, बी 1931, सी 1950 और डी 1947। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कुलपति बने और वो आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उसके बाद ये मैसूर विश्वविद्यालय के भी कुलपति रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 16 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हैं ऑप्शन है ए वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और भारत की संविधान सभा के लिए चुने गए। ऑप्शन बी है 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी है उन्हें 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला। और ऑप्शन डी है सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। प्रश्न संख्या 17 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पॉल्डिंग प्रोफेसर के रूप में कब नामित किया गया था? ऑप्शन है ए 1930, बी 1933, सी 1936 और डी 1940। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1936। प्रश्न संख्या 18 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है ए उन्हें यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 1948 से 1949 का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन बी 1953 से 1962 तक वे दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। और ऑप्शन सी उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 से निम्नलिखित में कौन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखित रचनाएं हैं? ऑप्शन है ए पूर्व और पश्चिम कुछ विचार, बी उपनिषदों का दर्शन, सी पूर्वी धर्म और पश्चिमी विचार और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को वर्ष 1931 में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए किंग जॉर्ज पंचम से प्राप्त हुआ, मतलब कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? ऑप्शन है ए नाइटहुड प्राप्त हुआ, बी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, सी पदक प्राप्त हुआ, मेडल प्राप्त हुआ और डी उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को वर्ष 1931 में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए किंग जॉर्ज पंचम से नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 21 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की मृत्यु कब और कहां हुई? ऑप्शन है ए 17 अप्रैल 1975 चेन्नई में, बी 12 जनवरी 1967 दिल्ली में, सी 11 अप्रैल 1968 मुंबई में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था डॉक्टर एस राधाकृष्णन और टीचर्स डे पर, मतलब टीचर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई और इसके मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसके मनाने का उद्देश्य यही है कि टीचर्स डे मनाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने गुरुओं जो पहले गुरु होते हैं माता पिता होते हैं उसके बाद जो हमें शिक्षा देते हैं अर्थात शिक्षक हमारे लिए भगवान से भी
बड़े हैं अर्थात गुरुओं के सम्मान में एक डे सुनिश्चित किया गया है और इस दिन भारत सरकार द्वारा भी ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और टीचर्स को सम्मानित किया जाता है। तो इस टीचर्स डे मनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनका आदर भाव करें और कितने भी धर्म ग्रंथ है उस सब में भी गुरुओं की बहुत महिमा है। जैसे रामायण में राम के जो गुरु हैं वो विश्वामित्र माने जाते हैं, इसी प्रकार अन्य जैसे कृष्ण हैं उनकी गुरु संदीपनी माने जाते हैं। तो इस तरह महाग्रंथों में भी गुरुओं की महिमा का गुणगान किया गया है और करना चाहिए भी हमें, क्योंकि गुरुओं की बदौलत ही हम इतना कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि गुरु ही हमें बोलने चलने पढ़ने या लिखने की शैली विकसित करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था टीचर्स डे पर, और टीचर्स डे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर जाने हम लोग इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास फॉरवर्ड करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना दो वीडियो अपलोड करता हूँ, एक सुबह और दूसरा शाम को। तो इन वीडियो के माध्यम से आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी काफ़ी मदद होगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।